हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह नारावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम प्रतिहार शासक को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो प्रतिहार शासक उसमें से हम तीन चार शासक पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम नागभट्ट प्रथम, इसके बाद में पढ़ेंगे हम सिलुक के बाद में हम पढ़ेंगे बाउक, और बाउक के बाद यदि समय मिला तो हम पढ़ेंगे कुकुक प्रथम, यानी फर्स्ट। ओके दोस्तों, मैं थोड़ी क्लास में चेक कर लेता हूँ जैसे क्या आता है। तो ये क्लास पढ़ेंगे दोस्तों हम। देखना, नागभट्ट ये पहला शासक था, पहला जो वास्तविक और स्वतंत्र शासक था। कैसा था? पहला वास्तविक और स्वतंत्र शासक। दोस्तों, इन्होंने गुप्तों से अपने आप को पूर्ण रूप से, गुप्त साम्राज्य खत्म हो रहा था उत्तर गुप्तकालीन, उनके जो नियंत्रण वो खत्म होता जा रहा है, तो सीमांत पे जो ये थे, सीमांत दुर्गों के प्रहरी जिनको प्रतिहार कहा गया, इसमें से नागभट्ट पहला व्यक्ति था जिसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था। दूसरे दोस्तों, मैं इसके बारे में बात बताऊं, इसने सबसे पहले अपने पूर्वजों की जो राजधानी थी, ये राजधानी है जो मंडोर से मेड़ता ले गया, मेड़ता ले गया। दोस्तों ध्यान रखना, ले गया राजधानी कहाँ लेके गए दोस्तों? ये मंडोर से मेड़ता। यहाँ राजधानी, इनकी पहली राजधानी कौन सी थी? मंडोर। दूसरी राजधानी कौन सी होगी? मेड़ता। ले जाने वाला कौन था? नागभट्ट प्रथम, पहला और वास्तविक शासक था दोस्तों। दूसरी चीज आपको ये इसके बारे में और बता देता हूं कि ये पहला शासक था जिसने जालोर, भीनमाल, उज्जैन, कन्नौज पर पहली बार अधिकार करने वाला व्यक्ति, अब अधिकार की जगह इस जगह पर वंश को स्थापित करने वाला, वंश को स्थापित करने वाला कौन था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम। ये पहला व्यक्ति थी, स्टार में लेना, जिसने अपने राजवंश को आगे से आगे फैला था। दोस्तों, इसके केवल एक पुत्र था और इस पुत्र का नाम था तात। क्या था? तात। इसने भी संन्यास ग्रहण कर लिया था और संन्यास, और बाद में ये सन्यासी जीवन ही जीता। कौन था इसका? और इसके कोई पुत्र नहीं होने के कारण इसने एक यज्ञ किया था उज्जैन के अंदर। कहां पर? उज्जैन के अंदर एक यज्ञ किया था, उज्जैन में एक यज्ञ किया था, और उस यज्ञ का नाम था हिरण्य गर्भ यज्ञ। दोस्तों, ये हिरण्य गर्भ यज्ञ करने वाला प्रतिहार वंश का एकमात्र शासक था। तो देखना, पहला शासक, देखना पहला और वास्तविक, राजधानी मेड़ता ले जाने वाला, दो। नंबर तीन, आप ज्यादा याद नहीं रखोगे तो अपने साम्राज्य में सर्वाधिक जगह वंश की स्थापना करने वाला, तीन। और उज्जैन में हिरण्य गर्भ जो था, हिरण्य गर्भ यज्ञ करने वाला, इसमें देखना ये राष्ट्रकूट शासक, इस हिरण्य गर्भ यज्ञ में राष्ट्रकूट शासक दंती दूर्ग को भी बुलाता, और ये दंती दूर्ग वह व्यक्ति था जिसने पहली बार अपने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, ठीक है। इसको भी बुलाता, इसकी पुत्री भूमिका देवी का विवाह वो कुकुक से करवाता है। कौन? यही नागभट्ट प्रथम अपने पौत्र का विवाह दंती दूर्ग की पुत्री भूमिका देवी से करवाता है। साधारण सी जानकारी है जो आपको याद रखना। इसके बारे में कुछ चीजें जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बाद में मिटा देंगे अपन पढ़ने के बाद। देखना, इसके समय में ग्वालियर अभिलेख, इस ग्वालियर अभिलेख
से हमें इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि नंबर एक, इसके समय में अरबों का आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण एक पहली बार, और इस अरबी आक्रमण का सामना उसमें सिसोदिया गोहिल वंश के स्थापना करने वाला व्यक्ति बापा रावल की सहायता लेती है, बापा रावल की सहायता लेती है। दोस्तों याद रखना, ये लोग कितने दूरदर्शी थे, नागभट्ट प्रथम और बापा रावल ने इन अरबों को ईरान तक भगाया था और वापसी में हर 50 किलोमीटर पर अपनी पुलिस चौकियां स्थापित की थी, और इन्हीं लोगों की वजह से भारत में 1000 वर्ष तक बाद में मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। कितने दूरदृष्टि लोग व्यक्ति थे नागभट्ट वगैरह। और इसी अभिलेख में इस अरबों को समाप्त करने के लिए इसकी जो उपाधि थी वह थी नारायण, ठीक है, नारायणा की उपाधि। याद रखना दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण है, नारायणा की उपाधि किसने, तो नागभट्ट ने। अरबों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, नागभट्ट के समय, बापा रावल की सहायता से इनको पराजित किया था अरबों को, और नारायणा की उपाधि धारण की, एक ये याद रखना आपको। इसके हरसौट अभिलेख से एक और, हरसौट अभिलेख से इसकी एक और उपाधि की जानकारी मिलती है दोस्तों, और जो वो उपाधि मिलती है दोस्तों इसको जो इसने की थी वो नागाव लोक से, किसकी, नागाव लोक से, ठीक दोस्तों, ये ध्यान रखना। हरसौट अभिलेख से इसकी किसकी उपाधि मिलती है, नागाव लोक से, और नारायणा की। आपको इतना डीप नहीं पूछ के, वो सीधा पूछेगा नारायणा की उपाधि किसने ली थी, नागपट नागाव लोक किसने। दोस्तों ध्यान रखना, यहां से एक चीज और महत्वपूर्ण आपके सामने आएगी, ये जालौर दुर्ग का निर्माता था, जालौर दुर्ग का निर्माता, ठीक है दोस्तों, जालौर दुर्ग का निर्माता था, भीनमान को राजधानी बनाया था, किसको, भीनमान को राजधानी बनाया था, ये इसके देखना। आप जालौर दुर्ग के निर्माता आप किसको कहोगे, हमेशा प्रतिहार शासकों को, ये दोस्तों वेरी मोस्ट के अंदर जाएगा कि जालौर दुर्ग के निर्माता कौन थे, तो प्रतिहार शासक थे, लेकिन बदायूं है अपने, ठीक है ना, पंडित गौरी शंकर हीराचंद इसको परमारों को मानता है जालौर दुर्ग का निर्माता, लेकिन दोस्तों परीक्षा में आपको प्रतिहार शासक ही बताना कि इस वंश की स्थापना करने वाला कौन था, यही था नागभट्ट। एक बार नागभट्ट के बारे में दो है, पहला और वास्तविक स्वतंत्र शासक, मेड़ता को राजधानी बनाया मंडोर से, तो मंडोर को किसने, हरिश्चंद्र ने, जालौर भीमा उज्जैन कन्नौज पर पहली बार अपने वंश की स्थापना की थी, ठीक है, अपने पुत्र तात के संन्यास ग्रहण करने के बाद इसके कोई पुत्र नहीं था, तो उज्जैन में इसने हिरण्यगर्भ यज्ञ, और इसमें दंती दुर्ग को भी बुलाया, तो याद रखना ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ग्वालियर, आप आजकल प्रश्न देखना एक थोड़े डीप जाते हैं, जैसे दंती दुर्ग के बारे में पूछ गए, इसके समय में अरबों का आक्रमण हुआ था, बापा रावण की सहायता ली थी, नारायण की नागर, और एक ऑप्शन पूछ ले, इसने मंडोर को राजधानी बनाया था, इसने मंडोर को राजधानी नहीं बनाया था, इसने मंडोर की बजाय किसको बनाया था, मेड़ता। तो ये बड़ी बड़ी जो जानकारी है आप इसके बारे में ध्यान रखना, इसको क्या, इसने अरबों के आक्रमण को और अरबों को समाप्त करने के लिए इसे मलेच्छों का विनाशक भी कहा जाता है, मलेच्छों का विनाशक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, किसका विनाशक कहा जाता है, मलेच्छों का विनाशक कहा जाता है। तो ये इसकी थी नागभट्ट के बारे में, जैसा कि मैंने आपको कहा था नागभट्ट के बारे में, नागभट्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम सिलुक के बारे में। सिलुक के बारे में इतनी कोई नहीं है, लेकिन एक बार प्रश्न पूछा गया इसमें से, जो मैं आपको बता दूं क्या प्रश्न पूछा गया, सिंपल प्रश्न पूछा गया था। वैसे इसके बारे में जो दूसरी चीजें मैं बता देता हूं कि प्रतिहार वंश का ये 10वां शासक था, कैसा शासक था, 10वां शासक, प्रतिहार वंश का कैसा शासक था दोस्तों, ये 10वां शासक था, ठीक है ना, तो इसके बारे में ये जानकारी रखनी है आपको, कौन सा शासक था, 10वां शासक, ठीक है, थोड़ा बोर्ड गीला हो गया, कोई बात नहीं, इसको साफ कर ले, तो आप देखना ये 10वां शासक, 10वां शासक, ठीक है ना, थोड़ा इसको साफ करना पड़ेगा, चलो कोई मिल नहीं रहा,
इसको ही ले लेता हूँ, मैं हाथ से ही ले लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, आपको देखने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है ना, कैसा शासक था ये सिलोबस का दसवां शासक। ओके, ये दूसरा, ये ज्योतिष, ज्योतिष और व्याकरण का बड़ा ज्ञाता था, ये प्रश्न पूछा गया था बस ये कि कौन सा शासक जो था वह ज्योतिष और व्याकरण का बड़ा ज्ञाता था। तो सिलो, बस केवल एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। बाहुक जो था दोस्तों, उसके बारे में केवल एक चीज कि इसने जोधपुर में, जोधपुर में विष्णु मंदिर बनाया था। कौन सा मंदिर बनाया था? जोधपुर में विष्णु मंदिर बनाया था। वो किसने बनाया था? बाहुक ने। बस ये जानकारी आपको याद रखनी है। सिलुक में ये ज्योतिष और व्याकरण का बड़ा ज्ञाता था, दसवां शासक था। वैसे इसके बारे में तीन चार लाइनें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी ये साम्राज्य विस्तार बहुत किया था, साम्राज्यवादी था एक, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है। दूसरा, वल और मंडल जो जैसलमेर का जो क्षेत्र था उसको इसने जीता। तो इतना नहीं, केवल आप ये प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि जोधपुर में विष्णु मंदिर किसने बनाया था? तो बाहुक ने बनाया था, ये याद रखना। आगे जाके और भी आएगा वत्सराज के समय में ये, तो ये आपको ध्यान। अब बात आती है कुकुक की, ठीक है ना। तो कुकुक की जानकारी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कुकुक प्रथम, देखना इसने घटियावली अभिलेख लिखाया था, घटियावली अभिलेख लिखवाया था कब? 861 ईस्वी। ठीक, इस पांच छह जानकारी मिलती है इससे। इस घटियावली अभिलेख में जो कुकुक के संबंधित बात है वो पहले लेंगे। इसमें मरु या मान और मरु शब्द का प्रयोग हुआ जो जैसलमेर के लिए हुआ, ये मोस्ट है, ठीक है। दूसरा, वल और तमणी, ये भी जैसलमेर के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ। कौन सा? वल और तमणी जैसलमेर के लिए। दूसरा, एक वलणी या वल, ये जो हुआ मालाणी के लिए हुआ, मालाणी के लिए शब्द यूज हुआ। मध्य प्रदेश के लिए जो शब्द यूज हुआ उसमें अज, मध्य देश, मध्य देश जिसको अपन वर्तमान में क्या बोलते हैं? अज बोलते हैं। ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। फिर कुकुक प्रथम की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, इसने जोधपुर में विजय स्तंभ, जोधपुर में विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण करा, जिसको अपन जय स्तंभ भी कहते हैं, जय स्तंभ कहते हैं। आपको विजय स्तंभ के बारे में और ध्यान है कुछ कि राजस्थान में कहां कहां पर जय स्तंभ है? देखना, एक तो विजय स्तंभ जोधपुर में जिसको कुकुक प्रथम ने बनाया था, एक चित्तौड़ में है जिसको कुंभा ने बनाया था, ठीक है ना, मैं अतिरिक्त चीजें बता रहा हूं। और एक बयाना में है जो गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त ने बनाया था, समुद्रगुप्त ने बनाया था। तो ये ध्यान रखना आपके कि हमारा तीन विजय स्तंभ भी है, बाकी इनके बारे में भी ध्यान रखना। घटियावली अभिलेख में इसने जोधपुर में, जोधपुर में विजय या जय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये ध्यान रखना। जोधपुर में जय या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये बड़ी बड़ी जो जानकारी है वो आप इससे ध्यान रखोगे, ओके। बाकी की जो बात है कि इसे बड़ा न्यायप्रिय व्यक्ति था, एक चीज है बाकी तो मैं इसके बारे में बता ही चुका हूं कि इसमें देखना और किसकी जानकारी मिलती है, हरिश्चंद्र की, हरिश्चंद्र की घटियावली अभिलेख में मिला था कुकुक ने लिखा। ये इस वंश का संस्थापक था, कौन? हरिश्चंद्र। इसी अभिलेख में हरिश्चंद्र को क्या बताया गया? ब्राह्मण बताया गया। इसी अभिलेख में इसकी राजधानी प्रारंभ क्या बताई गई है? मंडोर बताई गई। इसी अभिलेख में इसके दो विवाह बताए गए, एक सत्राणी और एक ब्राह्मण, और इस सत्राणी की पत्नी का नाम दद्दा था, और इस दद्दा से कोबट, कद्दक, रजिल
और दह इससे जो उत्पन्न पुत्र हुए थे, बाद में रंजील शासक बना था। ये बड़ी बड़ी जानकारी है। देखना बाहुक से क्या, जोधपुर में विष्णु मंत्री। सिलुक कौन सा था, व्याकरण और ज्योतिष का जानकारी था। नागपट क्या था, पहला शासक था, स्वतंत्र शासक था, न्यायप्रिय शासक था, अरबों का आक्रमण हुआ, हिरण्य कर भी यज्ञ करवाया। ठीक है, जोधपुर कुकुक प्रथम के बारे में जो भी है वो घटिया भी अगले। इसने अपने जैसलमेर का नाम मिलता है मांड मरु वल तमणी जैसलमेर वरणी जो महाराणी में अज मध्य प्रदेश जोधपुर में विजय स्तंभ या जय स्तंभ का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कुकुक प्रथम था, प्रश्न पूछा गया। फिर इसी अभिलेख से हमें इस वंश के संस्थापक हरिचंद्र की जानकारी मिलती है। ठीक है, जो ब्राह्मण था, मंडोर को राजधानी बनाया था, ये इसकी प्रारंभिक राजधानी थी। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी क्लास। मैंने छोटी क्लास बनाने का प्रयास किया, हो सकता है दोस्तों बढ़िया है। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में खूब फैलाएं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक प्रश्न, अभी प्रारंभिक दौर में थोड़े छोटे दिख रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं एक एक प्रश्न की सीरीज आपके लिए व्यवस्थित रूप से लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद।